ये गली वो गली है जिसमें श्री कृष्ण भगवान माखन चुराते थे। घर पे जो श्री कृष्ण भगवान का पुराना घर था वहाँ पे। हाँ। दोस्तों जो सामने ईंटें देख रहे हो ना, ये दीवार देख रहे हो ना, ये द्वापर युग की है, श्री कृष्ण भगवान के काल की, यानी आज से 6000 साल पुरानी। और पहले कुछ इस तरीके से ईंटें बनी होती थी, ना पत्थर की है ना सीमेंट की है, और ये चूना पत्थर की ईंटें। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा योग माया का जन्म स्थान, योग माया जो श्री कृष्ण भगवान की बहन। हेलो दोस्तों, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं वृंदावन की यात्रा करने के बाद में गोकुल गांव में, जहां पे श्री कृष्ण भगवान जी को वासुदेव जी टोकरी के अंदर मथुरा से लेकर यहां पे आए थे। तो अभी मैं जहां पे खड़ा हूं वो जगह है श्री कृष्ण भगवान जी का पुराना घर, जहाँ पे यशोदा मैया और वासुदेव जी यहाँ पे रहते थे। और जो श्री कृष्ण भगवान जी का जो लालन पालन भरण पोषण हुआ था वो इसी घर में हुआ था जो मेरे पीछे है। अभी मैं आपको वो जगह भी बताऊंगा जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान सबसे पहले बांसुरी बजाए थे। उनके अलावा जहाँ की गलियों में श्री कृष्ण भगवान जो भी माखन चोरी करते थे वो गलियां भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लाइक शेयर कमेंट करके राधे राधे जरूर लिख देना। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों जो गलियां देख रहे हो, जो पेड़ देख रहे हो ना, ये द्वापर युग का ही पेड़ है, आपको आज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो गलियां देखकर एक पूरी श्री कृष्ण भगवान के होने के अनुभव यानी एहसास यहाँ पे दिलाता है, क्योंकि जैसे जैसे अपन चलते हैं ना तो वो पुरानी गलियां जिनमें श्री कृष्ण भगवान माखन चोर के इन्हीं गलियों के अंदर छिप जाते थे और गोपियों के हाथ भी नहीं आते थे। यहाँ से मैं आपको वो जगह भी आपको बताने वाला हूँ जो आज भी 6000 साल पुरानी दीवार आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत पुराना पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा। ये पेड़ आप देख रहे हो, ये पेड़ भी बहुत ही पुराना पेड़ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये भी द्वापर युग का पेड़ है। और इसके बाद में यहाँ से अपन चलते हैं, क्योंकि हर एक गली किसी ना किसी मकान के बीच से साइड से निकलती है। और यहाँ पे जो ये दीवार देख रहे हो ना, ये दीवार आज भी आपको देखने को मिल जाएगी, 6000 साल पुरानी दीवार। देख लो किस टाइप से इसको संभाल कर रखा है, और ये धरोहर द्वापर युग की धरोहर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आगे अपन चलेंगे ना तो वो खंडर भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आज से 5 से 6 हजार साल पुराने खंडर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैं। और यहाँ से अपन चलते हैं और भी गांव को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जब आप मथुरा वृंदावन से गोकुल के लिए आप जा रहे हो ना, तो बीच में आपको यमुना नदी पार जरूर करना पड़ता है। और वृंदावन से गोकुल की दूरी की अगर मैं बात करता हूँ, 21 किलोमीटर की दूरी होती है, और वहाँ से ऑटो वाले ई रिक्शा वाले आपको 40 से 50 रुपये चार्जेस टोटली आपका लग जाता है। तो चलो गाँव को भी अच्छे से देखते हैं। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों मथुरा वृंदावन के बाद में मैं आ चुका हूँ फाइनली गोकुल गांव में। यहाँ के लोगों का प्यार और यहाँ के जो लोगों की भाषा है ना भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोस्तों अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने सबसे पहले बांसुरी बजाई थी, उसी कदम के पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा भाई मैं इस ब्लॉग में जो नंद बाबा का जो घर है, श्री कृष्ण भगवान जो घर में रहते थे वो, उसके अलावा जो माखन चोर जिस गली के अंदर माखन चोरी किया करते थे कृष्ण भगवान, वो गली भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी जगह मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान से उनकी लीलाएं जुड़ी हुई है। तो दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कॉमेंट करके राधे राधे जरूर लिख देना। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों ये वही कदम का पेड़ है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले बांसुरी बजाई थी। इसी कदम के पेड़ के ऊपर बैठकर, यहाँ पे बैठकर श्री कृष्ण भगवान ने भाई बांसुरी बजाई थी। ऊपर की साइड आप देख सकते हो, ये 5000 साल पुराना कदम का वृक्ष आज भी यहाँ पे, यहाँ बहुत सारे कपड़े, मतलब जो भी आता है यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो भी विशेष होती है उनको यहाँ पे बांध कर और जाते हैं। तो ये वो वृक्ष है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से अगर आप आ रहे हो तो गोकुल गांव के मेन एंट्री गेट पे ही आपको यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। अब यहाँ से अपन चलते हैं आगे की साइड, और भी चीजें अपन देखते हैं। घर है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, 5000 साल पुराना ये घर है, जब कृष्ण भगवान का लालन पालन यहीं इसी घर के अंदर हुआ था। और अभी अंदर जाके अपन देखते हैं कैसा क्या यहाँ पे है। तो पंडित जी, मतलब भैया, अपन कौन सी जगह पहुँच गए अभी? अभी हम वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी को लेकर के आया गया था। अच्छा, जहाँ से वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को लेकर आए थे, नंद के घर।
और ये मंदिर किस चीज का है? ये मंदिर उनके कुल देवी होती है, हाँ हाँ हाँ, परिवार की, हाँ हाँ हाँ, कुल देवी का मंदिर है। ओके, तो यहाँ से अंदर साइड चलते हैं। यहाँ से आप देखने को मिल रहा होगा सामने से पूरा महल कुछ इस टाइप का है, जहाँ पे ऊपर जो दीवारें हैं वो 5000 साल पहले जो ईंटें थी वही आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा ये कुछ इस तरीके का घर यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे दर्शन करके आ रहे हैं। अपन यहाँ से अंदर की साइड में, और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान इसी मकान में रहते थे, और यहाँ से अपन चल रहे हैं इधर साइड। अच्छा, इधर क्या है सर? ये बस वही पूरा क्षेत्र बना रखा है। अच्छा, पूरा क्षेत्र बन, हाँ, बाकी चित्र हैं। अच्छा अच्छा, चित्र तो ये बाद में बनाई है ना? हाँ, बाद में बनाए गए हैं, किंतु घर यही है। घर यही है, आप देख सकते हैं पुरानी ईंटें हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखो, ये पुरानी ईंटें आपको देखने को मिल रही होगी। ये ईंटें मिट्टी की भी नहीं दिख रही, ये पता नहीं किस चीज़ की ईंटें हैं। ये यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पे जो लोहे के गेट है ना, ये भी पुराने ज़माने के हैं। अब ऊपर जाके अपन देखते हैं यहाँ पे उस ज़माने की 5000 साल पुरानी कुछ हल्का सही नया, यहाँ पे पट्टियाँ भी देखने को मिल जाएगी। हल्का सही नया सर संशोधन किया है। अच्छा अच्छा, हल्का सही, बाकी सब कुछ वही प्राचीन है। सब कुछ प्राचीन है ना। तो अभी अपन कौन सी जगह चल रहे हैं भैया? अभी घूमते रहो भाई, यही क्षेत्र है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी कौन सी मेन। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो झूला जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी झूला करते थे। दोस्तों अब मैं आपको यशोदा मैया के घर के बीचों बीच में बने हुए महादेव जी की तपोभूमि भी आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद में यहां से आपको श्री कृष्ण भगवान का वो पालना भी दिखाने वाला हूं जिसमें बचपन में यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को झुलाया करती थी। लेकिन अभी यहां पे कैमरे का इश्यूज होने की वजह से, क्योंकि यहां पे कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके अपने गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहा हूं, और यहां से मैं वो पालना भी आपको देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हो वो पालना है, उसको यहाँ पे झुलाते हैं और पंडितों के द्वारा मनमाने भी जाते हैं। दोस्तों ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे पूतना का वध हुआ था, और श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पे, जब आपको पता ही होगा कि पूतना राक्षस ने, जिसको कंस ने भेजा था, तो तब श्री कृष्ण भगवान दूध पीने के लिए मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो चेस्ट है उस पर बैठते हैं, उसके बाद में वो उसको काट लेते हैं, तो पूतना रोती हुई चिल्लाती हुई यानी वो एक तड़पती हुई मर जाती है यहाँ पे। अब मैं आपको द्वापर युग की वो खिड़कियां वो दरवाजे आपको दिखाने वाला हूँ जो श्री कृष्ण भगवान के घर के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पे जो गेट देख रहे हो ना, इसकी मोटाई आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मोटा, जैसे आज के जमाने में तो इतनी मोटी दीवार होती है। चल रहे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान गोपियों का माखन चुराते थे, उस गली में, वो एक संकरी गली है, और उस गली को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दो आप देख सकते हो माखन चोर गली। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान की माखनचोर गली थी ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी मकान के एंट्रेंस में बन जा रहे हैं, यानी मकान का एंटर गेट, और यहाँ से ये साइड में से निकलते हुए यहाँ पे जाते हैं। और ये जो गाय है ना, ये द्वापर युग की बताई जाती है लोगों के द्वारा। और यहाँ पे गली गली में शोर है, कान्हा माखन चोर है, बहुत सारी लाइन है, और वो अनुभव यानी वो एहसास भी यहाँ पे दिलाता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चित्रकलाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी जो श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। जो यहाँ पे गाय बैठी हुई है, ये वही द्वापर युग की गाय है। आपको किसी भी वीडियो में अगर आप देखोगे तो ये गाय यहाँ पे ही बैठी हुई आपको नजर आएगी। अब यहाँ से अपन पीछे की साइड चलते हैं, नंद किशोर गली, जहाँ से पीछे की साइड और भी चीजें अपन देखेंगे। माखनचोर गली मैंने आपको बता दी, अब यहाँ से अपन चलते हैं, देखते हैं और भी कौन कौन सी जगह यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाबा से भी पूछते हैं। हाँ जी बाबा, राधे राधे। राधे श्याम। तो बताओ भैया यहाँ पे और भी क्या क्या चीजें? यहाँ पे भैया हमारे ठाकुर जी ने छोटी सी उम्र में माखन चोरी लीला रची। अच्छा, घर से माखन, गोपियों के घर से माखन चुरा चुरा के इधर उधर भागते थे। अच्छा अच्छा, ये गली भी आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, संकरी है पूरी। हाँ, मकानों में होके गली निकली हुई है। हाँ, हाँ, और ठाकुर जी माखन चोरी मटकी खोरी माखन लियो और इधर उधर गली में भाग जाते थे। ठाकुर जी या गली से भाग रहे है, गोपी या गली में भाग रही है, ठाकुर जी दूसरी गली निकल गए। बिल्कुल, अब गोपी ढूंढ डोल रही है ठाकुर जी। तो बाजू में अपना ठाकुरानी घाट है, यमुना जी ब्राज है,
अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे ठाकुर जी ने लीला करी यमुना जी पे। ठाकुरानी घाट यही यमुना नदी के किनारे पे। तो यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से ज्यादा 200 मीटर आगे। अच्छा, इतना ही है ना ये गली पार। और क्या क्या चीजें यहाँ पे भैया? यहाँ पे ये गोकुल है, ठाकुर जी ने गौ लीला करी यहाँ पे। अच्छा, गाय चराई और आगे मथुरा पर है वहाँ पे ठाकुर जी की जन्मभूमि है। बहुत गोपियाँ आती है ना, उनसे पकड़ने में नहीं आते थे। अब अपन चल रहे हैं यहाँ से ठाकुरायन घाट पे। ये पतली पतली गलियाँ श्री कृष्ण भगवान जी की वो लीलाएँ याद दिलाती हैं, क्योंकि यहाँ से अब अपन निकल रहे हैं ठाकुरायन घाट, जो यमुना नदी के किनारे पे बने हुए हैं। ठाकुरायन घाट वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने क्रिकेट खेलते हुए जो उनकी बॉल यमुना नदी के अंदर चली गई थी, और तो वहाँ पे जो कालिया नाग था, कालिया नाग की उन्होंने फन मरोड़ा था। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बाबा यहाँ राधे राधे, सबसे पहले राधे राधे राधे। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी कितने दिन रहे? 11 वर्ष 52 दिन रहे। 11 वर्ष 52 दिन यहाँ पे रहे। उसके बाद में वृंदावन चले, बाद फिर गोवर्धन गए, गोवर्धन से वृंदावन गए, नंदगांव बसाया, अलग अलग गांव बसाया, गोवर्धन में पूजा किया है भगवान का। अच्छा अच्छा, गिरिराज जी का, तो गिरिराज जी एक उंगली को उठा लिया है। अच्छा अच्छा, गिरिराज जी में, गिरिराज जब तूफान आया वो इंद्रदेव रुष्ट हुए, इंद्रदेव ने आंधी तूफान चलाया, तो भगवान ने अपने गाय भाई सबरा अपना नीचे ने ले लिया। अच्छा, सबरा पर्वत पहाड़ उठा लिए भगवान। और यहाँ पे यशोदा मैया, मतलब जब शैतान बाबा का महल है, भगवान लेके आए मथुरा से। अच्छा, मथुरा से लेके आए, ये घाट है। अच्छा, यहाँ भगवान को जो ठुकरानी घाट है, यहाँ पर भगवान ठहरे। अच्छा, यहाँ पे ठहरे, यहाँ पे ठहर के नहीं, मतलब ठहरे क्या क्या यहाँ पर आके नहीं, उन्हें कपड़ा निचोड़ा अपना, गीले हो गए, गीले हो गए नहीं, कपड़ा निचोड़ के फिर भगवान नंद बाबा के महल में ले गए। युग माया पैदा हुई, युग में आया मथुरा ले गए। अच्छा, और यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि यशोदा मैया जो उसको वो कहे कि शैतानी करते थे, तो कौन सी जगह बांधती वो थी? तो यशोदा मैया वो भगवान जब मैं वहाँ कर मिट्टी ने खा सकिया लाती, तो उनको मटकी को फोड़ते, और फिर वहाँ पे ब्रह्मांड घाट है, यशोदा मैया ने भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली तेने मिट्टी खाया है, मैंने ब्रह्मांड खाया सब। अच्छा अच्छा, तो कौन सी जगह? यहीं पास आ गए हैं, जहाँ से 3 किलोमीटर है ब्रह्मांड घाट। अच्छा, ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मांड दिखाया, ब्रह्मांड सब मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा दिया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी वो जगह भी अपन देखने वाले हैं, कैसा क्या है यहाँ पे रहने वाला है वो घाट भी। उसके अलावा यशोदा मैया ने कपड़े से जहाँ पर रस्सी से जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को बांधा था, वो जगह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ठाकुरायन घाट, और ठाकुरायन घाट गोकुल के अंदर। क्या यहाँ पे वसुदेव जी कृष्ण को लेके आए थे सामने से? अच्छा, सामने से लेके आए थे, वो वसुदेव घाट है। अच्छा, वसुदेव, सावन भादो का महीना था ना, रात के 12 बजे हुए, तो वसुदेव जी ने अपना पैर का चप्पल, अच्छा, और हाथ का छड़ी उसी घाट पर छोड़ा था। अच्छा, उधर की साइड। हाँ, तो वसुदेव जी पानी में घुसने लगे तो पानी मुख तक पहुंच गया। ओके, वसुदेव जी घबराने लगे, वापिस होने लगे। हाँ, बोले मैं तो डूब रहा हूँ, मेरे बच्चे को कोई ले लो। अच्छा, तो कोयलो कोयलो वो सामने कोयला गांव है। अच्छा 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 अच्छा, वसुदेव जी ने पुकार किया था ना, मैं तो डूब रहा हूँ, मेरे बच्चे को कोयलो कोयलो। कृष्ण भगवान बोले कोयलो कोयलो, इसीलिए कोयला गांव हो गया, इसीलिए कोयला गांव रख गया। कृष्ण भगवान बोले मेरे पिताजी घबरा गए, यमुना जी मेरे चरण नहीं छुएंगी, अब तक रास्ता नहीं देंगी। यमुना महारानी बोली आज मेरे ऊपर से प्रभु जा रहे हैं, आज मैं इनको निकल जाने दूंगा तो कोई मेरे को गंदा नाला समझकर छोड़ देगा। अच्छा, मेरी कोई मान्यता नहीं होगी, मुझे कोई संसार में पहचानेगा नहीं। हा, हा। तो श्री कृष्ण भगवान अपने चरण लटकाए, अच्छा, तो यमुना महारानी ने उनके चरण छुए तो गोटू गोटू रास्ता दे दिया। ये घाट है विश्राम घाट, यहाँ वसुदेव जी ने विश्राम लिया कृष्ण भगवान को पार करके। ऊपर नंद बाबा का महल है जो आप देखने जाओगे, वहाँ पर देखे गए, वहाँ से यशोदा मैया की लड़की योग माया, अच्छा, उसका मंदिर भी है, तो उसको बदला करके लेके गए, तो कंस बोला ये तो मेरे डर के मारे लड़की पैदा हो गई। कंस उसको पछीने लगा, वो आकाश में बिंदवासनी हुई, बोली पापी कंस तू क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो गोकुल में झूला झूल रहा है। बोलते ना हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे राधे। अभी यहाँ पे जो मंदिर देखने को मिल रहा है ये है योग माया मंदिर। अंदर की साइड से अपन चल के देखते हैं कि अंदर की साइड यहाँ पे कैसा ये होने वाला है। यहाँ पे वही मंदिर है जब यहाँ पे योग माया, यानी आपको पता ही होगा श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा के अंदर हुआ था और योग माया का जन्म यहाँ पे हुआ था। तो जो वासुदेव जी थे उधर से श्री कृष्ण को लेकर यहाँ पे आए थे, और इधर से नंद बाबा योग माया को लेकर और मथुरा लेके गए थे कंस के पास। तो कंस दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा योग माया का जन्म स्थान। योग माया जो श्री कृष्ण भगवान की बहन थी, और यहाँ से
जो जो नंद बाबा थे यहाँ से योग माया को लेकर यमुना पार इसी जगह से लेके गए थे। और ये आप देख सकते हो उधर की साइड में वो कोयला घाट, वहाँ पे उनको बोलते हैं, जो वहाँ पे कोयला गांव आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से इसी घाट से लेके गए थे कृष्ण भगवान, मतलब नंद बाबा इसी जगह से गए थे उधर की साइड, और उसके बाद में वासुदेव जी की यहाँ पे योग माया भी आपको देखने को मिलेगा। हेलो हेलो, हाय ब्रो।